हमास के सरबराह इस्माइल हनिया की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नमाज जनाजा ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनाई की इमामत में तेहरान यूनिवर्सिटी में अदा की गई। नमाज जनाजा में अहम ईरानी सरकारी अहदेदारों और आवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शहीद इस्माइल हनिया का जस्द खाकी आज तेहरान से कतर पहुँचाया जाएगा। तदफीन कल जुमा को दोहा में की जाएगी। सादिकाबाद में डाकुओं से मुकाबले में शहीद चारों पुलिस अहलकारों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में एडिशनल आईजी जनूबी पंजाब पुलिस अफसरान और शोहदा के वर्सा ने शिरकत की। पुलिस के चाको चुबंद दस्ते ने शोहदा की जस्द खाकी को सलामी दी। शोहदा के जस्द खाकी आबाई इलाकों को रवाना कर दिए गए। गुज़श्ता रोज़ पुलिस मुकाबले में 5 डाकू हलाक, 4 जख्मी हुए थे। लाहौर में बारिश का 44 साला रिकॉर्ड टूट गया। मूसलाधार बारिश ने शहर को डुबो दिया। सड़कें तालाब में तब्दील हो गई। नशेबी इलाके पानी में डूब गए। पानी घरों में दाखिल हो गया। शहरियों का कीमती सामान तबाह हो गया। सबसे ज्यादा बारिश एयरपोर्ट और एतराफ 350 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। निस्तर टाउन में 282 मिलीमीटर, इकबाल टाउन में 232 और जोहर टाउन में 222 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। पानी वाला तालाब 226, समनाबाद 220, मुगलपुरा में 202 मिलीमीटर बारिश हुई। लाहौर के म्यू जनरल और सर्विसेज अस्पताल की इमरजेंसी में पानी ही पानी। वार्ड्स में पानी जमा। अस्पताल में पानी दाखिल होने से डॉक्टर्स, नर्सिस और अमला मुश्किलात का शिकार। जनरल अस्पताल की पार्किंग में खड़ी गाड़ियां भी पानी में डूब गई। हाई कोर्ट और जीपीओ चौक में पानी जमा होने से वकला और सालीन को शदीद मुश्किलात का सामना। मॉनसून बारिशों का धुआंधार स्पेल। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में भी तेज बारिश। गुजरांवाला, गुजरात, जेलम, भिंबर, आजाद कश्मीर से मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में भी बारिश हुई। इस्लामाबाद, पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर में बारिश मतवक्के। बलोचिस्तान में जुमा और गिलगित बल्तिस्तान में हफ्ते की रात से बारिशें मतवक्के हैं। महकमे मौसमियात की 6 अगस्त तक मानसून बारिशें जारी रहने की पेशगोई। वज़ीर-ए-आज़म की बिजली बिलों की अदायगी की तारीख में 10 रोज़ा तोसी की हिदायत। पावर डिवीज़न ने बिजली की तमाम तकसीमकार कंपनीज को अहकामात जारी कर दिए। जुलाई और अगस्त के बिलों की अदायगी की मुकर्रर तारीख में 10 रोज़ की तोसी की गई। ओगरा ने LPG 2 रुपये किलो महंगी कर दी। सरकारी कीमत 237 रुपये फी किलो मुकर्रर। घरेलू सिलेंडर 27 रुपये इजाफे के साथ 2,797 रुपये का हो गया। कमर्शियल सिलेंडर 103 रुपये महंगा हुआ। कीमत 10,760 रुपये पर जा पहुंची। बलोच यकजहती कमेटी के लोकल इंतजामिया से मुजाकरात कामयाब। बलोच यकजहती कमेटी ने धरना खत्म करने का इंदिया दे दिया। बलोच यकजहती कमेटी ने गवादर में धरना दे रखा है। हमास के सरबराह इस्माइल हनिया ईरान में इसराइली हमले में शहीद। इस्माइल हनिया को तेहरान में उनकी रिहाइशगाह पर गाइडेड मिसाइल से निशाना बनाया गया। इसराइल ने रात 2 बजे तेहरान में मिसाइल फायर किया। हमले में इस्माइल हनिया का मुहाफिज भी शहीद। इस्माइल हनिया ईरानी सदर की तकरीब हलफ बरदारी में आए थे। हमास का इस्माइल हनिया के कत्ल का बदला लेने का ऐलान। तर्जुमान के मुताबिक इसराइल को बुजदिलाना हमले की सजा दी जाएगी। इसराइली कब्जे के खिलाफ मजाहमत मजीद तेज होगी। शहीद इस्माइल हनिया के बेटे के हौसले बुलंद। अब्दुस्सलाम हनिया का कहना है कि आज़ादी के हसूल तक मजाहमत जारी रखेंगे। शहीद इस्माइल हनिया की नमाज जनाजा आज तेहरान में अदा की जाएगी। तदफीन जुमे को कतर के दारुल हुकूमत दोहा में होगी। इस्माइल हनिया के कत्ल का बदला लेना तेहरान का फर्ज है। मुजरिम और दहशतगर्द से हुनी हुकूमत ने हमारे घर में हमारे मेहमान को शहीद किया और हमें सोगवार किया। सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनाई का सख्त रद्द अमल। ईरानी सदर ने कहा कि अपनी सरजमीन और इज्जत का दिफा करेंगे। पासदारान इनकलाब का कहना है कि हनिया के कातलों को दर्दनाक जवाब मिलेगा। मुल्क में इस्माइल हनिया के कत्ल पर 3 रोज़ा सोग। ईरान ने इंतकाम के लिए सुर्ख परचम लहरा दिया। अमेरिका का इसराइली हमले से लाताल्लुकी का इजहार। मंसूबे का इल्म था ना इसमें शरीक हैं। कशीदगी कम करने के लिए काम कर रहे हैं। कशीदगी कम करने का तरीका जंगबंदी है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन का रद्द अमल। अमरीकी वज़ीर दिफा ने इसराइल का दिफा किया।
लॉयड ऑस्टिन ने कहा कि इसराइल पर हमला हुआ तो अमरीका दिफा करेगा। तर्जमान इसराइली फौज डैनियल हेगरी का कहना है कि हर तरह की सूरत हाल का सामना करने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान की हमास सरबरा इस्माइल हनिया के कत्ल की शदीद मजम्मत। तर्जमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच का कहना है कि पाकिस्तान मावराए सरहद दहशतगर्दी की मजम्मत करता है, हमें इस हमले के वक्त पर शदीद हैरत है। इस्माइल हनिया की शहादत से अमन की कोशिशों को नुकसान पहुँचा है। वाक़े के बाद खित्ते में कशीदगी बढ़ने का खतरा। आलमी मंडी में तेल की कीमतें ऊपर चली गईं। चीन का कहना है कि इस्माइल हनिया का कत्ल मजीद इलाकाई अदम इस्तेहकाम का बायस बन सकता है। रूस ने इस्माइल हनिया के कत्ल को नाकाबिले कबूल करार दे दिया। तुर्क सदर की इस्माइल हनिया के कत्ल की शदीद मजम्मत। तैयब अर्दवान ने कहा कि कत्ल का मकसद गजा में जंग को इलाकाई सतह तक फैलाना है। इस्माइल हनिया फलस्तीनी अथॉरिटी के साबिक वजीर आजम थे। मुसलसल 3 साल इसराइली जेलों में कैद रहे। गजा में इस्लामी यूनिवर्सिटी में मुख्तलिफ ओहदों पर काम किया। उन्हें 2017 में हमास का सरबरा मुकर्रर किया गया था। 2023 से कतर में क़याम पजीर थे। गजा जंगबंदी के लिए बतौर मुज़ाकरात कार शरीक थे। गजा जंग में इस्माइल हनिया के ख़ानदान को भी निशाना बनाया गया। अब तक उनके ख़ानदान के 60 अफराद को शहीद किया जा चुका। अप्रैल में इस्माइल हनिया के 3 बेटे इसराइली बमबारी में शहीद हुए थे। हमले में हनिया के 3 पोतियाँ और पोता भी शहीद हुए थे। मौलाना फजल रहमान का इसराइल के ख़िलाफ़ एहतजाज का ऐलान। मुल्क भर में जुमे को एहतजाज की कॉल दे दी। कहते हैं हनिया और उनके ख़ानदान की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान ने कहा कि इस्माइल हनिया की शहादत हज़ारों मुजाहिद पैदा करेगी। इसराइल की इंसानियत दुश्मनी को अमरीका सपोर्ट कर रहा है। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद और हैदराबाद में इस्माइल हनिया की गायबाना नमाज जनाजा अदा की गई। रवा माली साल पाकिस्तान की आउटलुक मुस्तहकम रहेगी। कर्ज अदायगी के लिए गैर मुल्की इमदाद पर इन्हिसार ज़्यादा है। स्टैंडर्ड्स एंड पुअर्स की पाकिस्तानी मईशत पर रिपोर्ट जारी। S&P के मुताबिक महंगाई की बुलंद शरह से मुश्किलात हैं। गैर यकीनी सूरत हाल से पॉलिसी साजी पर असर पड़ेगा। हुकूमत मुस्तहकम है, वज़ीर आज़म काम करते रहेंगे। सियासी सूरत हाल हुकूमत के लिए परेशान कुन नहीं। वज़ीर दाखला मोहसिन नकवी का नाकदीन को जवाब। बानी पीटीआई के मुज़ाकरात के सवाल पर जवाब दिया, ये तो अल्लाह को पता है कि वो किससे मुज़ाकरात करेंगे और किससे नहीं। IPPs के हवाले से वज़ीर आज़म को सारी तफसीलात बता दी हैं। बलोचिस्तान का धरना सूबाई मामला है। पारा चिनार में तसादुम ज़मीन के तनाज़े पर शुरू हुआ। वज़ीर दाखला मोहसिन नकवी से कुरम से ताल्लुक़ रखने वाले वफ्द की मुलाकात। वज़ीर दाखला को कुरम में पेश आने वाले वाक़ियात पर तशवीश का इजहार। मोहसिन नकवी ने कहा कि 2 ग्रुपों के दरमियान तसादुम को गलत रंग दिया गया। इलाके की सरकर्दा शख्सियात को अपना मुस्बत किरदार अदा करना चाहिए। हुकूमत मामले के हल के लिए हर मुमकिन मुआवनत फराहम करेगी। FBR की कारकर्दगी पर तनकीद। चेयरमैन FBR मलिक ज़ुबैर अमजद टिवाना दिल बर्दाश्ता हो गए। चेयरमैन FBR ने कबल अज़ वक्त रिटायरमेंट लेने का फैसला कर लिया। वज़ीर आज़म को मरासला भी लिख दिया। ज़ुबैर अमजद टिवाना को अगले साल 25 फरवरी को रिटायर्ड होना था। कायमा कमेटी पार्लियामानी उमूर ने इलेक्शन तरमीमी बिल 2024 की मंजूरी दे दी। बिल के हक में 6, मुखालफत में 4 अरकान ने वोट दिया। JUI की रुकन असम्बली शाहिदा अख्तर अली ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन का कहना है कि तलाक माजी पर होगा या नहीं राय नहीं दे सकते। जमात इस्लामी का रावलपिंडी में धरना जारी। हुकूमत से मुजाकरात का एक और दौर बेनतीजा खत्म। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं मुतालबात पूरे होने तक धरना जारी रहेगा। बिजली बिल अदा करना 98% लोगों के लिए नामुमकिन हो चुका। अमीर जमात इस्लामी ने मुलगीर पहिया जाम हड़ताल का इंदिया दे दिया। घोटकी के इलाके रौंती में डाकुओं का हमला, 3 पुलिस अहलकार शहीद। वज़ीर दाखला मोहसिन नकवी का शहीद अहलकारों को खराज अकीदत। शहदा के लवाहिकीन से दिली हमदर्दी और इजहार ताज़ियत। सोगवार खानदानों के लिए सब्र जमील की दुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से इंसदाद पोलियो की कौमी टीम की मुलाकात।
वज़ीर-ए-आज़म ने कहा मुल्क में पोलियो का चैलेंज मौजूद होना तश्वीशनाक है, पोलियो का मुकम्मल खात्मा करेंगे। पोलियो के खात्मे के लिए तमाम वसाइल इस्तेमाल करें, जहां सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं वहां हर बच्चे को वैक्सीन दें। हैदराबाद सिटी काउंसिल का अजलास मछली मंडी बन गया। पीपल्स पार्टी और पीटीआई अरकान की हाथापाई। पीटीआई के यूसी चेयरमैन अजहर शेख स्टेज पर चढ़ गए। बशीर लगारी ने अजहर शेख को टांग मारकर नीचे उतार फेंका। अजमा बुखारी से मंसूब जाली वीडियोस का केस, एफआईए ने तहकीकात का दायरा वसी कर दिया। साइबर क्राइम विंग का सोशल मीडिया अकाउंट्स की तफसीलात के लिए अमेरिका से रابطہ। पीटीआई की कारकुन फलक जावेद समेत दीगर के अकाउंट्स की तफसीलात तलब। एफआईए ने फलक जावेद के घर तलबी का नोटिस भी लगा दिया। और वफाकी वज़ीर दाखला मोहसिन नकवी के इस्लामाबाद का तूफानी दौरा, रात गए से सुबह तक 4 घंटे तक 3 मुख्तलिफ मनसूबों का जायजा लिया। मोहसिन नकवी ने इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे और पार्क रोड प्रोजेक्ट्स पर काम की रफ्तार का मुआयना किया। वज़ीर दाखला ने कन्वेंशन सेंटर के अपग्रेडेशन के काम का भी मुशाहिदा किया। मोहसिन नकवी का PWD चौक से टी चौक तक एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट 2 माह में मुकम्मल करने का हुक्म, कंट्रोल्ड कॉरिडोर बनाने का प्लान भी तलब कर लिया। FWO ने हुकाम ने वज़ीर दाखला मोहसिन नकवी को ब्रीफिंग दी। मोहसिन नकवी ने FWO के कैंप ऑफिस के लॉन में पौधा भी रखा।